हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जब भी घर से बाहर निकले, याद से मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इस चैनल पे विच इज टेक विद कॉस्टी में वी आर मेकिंग अ कंप्लीट सीरीज ऑन गूगल एडवर्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब वीडियो प्रमोट करना थ्रू गूगल एडवर्ड्स, वो कैसे कर सकते हैं, छोटी से छोटी जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वीडियो के थ्रू से आप तक पहुंचा पाऊं। इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं मिस कर रहा हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं एवरी फ्राइडे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट डाउन बिलो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं @IamCosty। तो लेट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्लेसमेंट्स, टॉपिक्स और कीवर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको पता चलेगा ये तीन का क्या फंक्शन है, ये तीन हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, कीवर्ड्स, टॉपिक्स और प्लेसमेंट। इससे पहले डेमोग्राफी और ऑडियंस था, जो मैं इसके पहले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए कीवर्ड से शुरू करते हैं। ये कीवर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपना कोई कॉन्टेंट जब यहाँ पर डालते हैं, वो कॉन्टेंट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो लोग जब उन कीवर्ड्स को दोबारा सर्च करते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक सर्च इंजन है, तो आपका वीडियो वहाँ पे शो होता है। एग्जाम्पल के तौर से एक छोटा सा वीडियो लेता हूँ। मैं रिसेंटली शिशु गया था, जो हिमाचल में एक गांव है। ये रहा उसका वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं, फ्री टीवी कॉस्टी इज द चैनल, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन द मीन टाइम इसका लिंक को हम कॉपी करते हैं। नाउ व्हेन यू गो, इसको पेस्ट करके एंटर, कैन यू सी कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं? लाहौल, स्पीति, मनाली, हिमाचल। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में ये कीवर्ड्स रेलिवेंट हैं, और आपका वीडियो अगर इससे मैच करता है तो आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड ऑल आइडियाज़ पे क्लिक करना है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर से एक दूसरा लिंक लेते हैं, टेक्निकल योगी के चैनल पर चलते हैं और उनकी कोई एक वीडियो निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर से यही वीडियो ले लेते हैं। तो देखिए इस वीडियो में उन्होंने क्या क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, यूट्यूब अर्निंग, कैश अर्निंग, ये अर्निंग रिलेटेड वीडियो है। आप चाहें तो इसको भी ऑल आइडियाज पे ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, आपका कॉन्टेंट अगर पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के ऊपर है और उस टॉपिक के ऊपर किसी बड़े क्रिएटर ने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप चाहें तो वो सेम कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं उनका URL कॉपी करते हुए। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। अगर आप टॉपिक में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। एग्जांपल सोचिए, आप एंटरटेनमेंट को लेके वीडियो बनाते हैं या फिर ऑटोमोबाइल को लेके वीडियो बनाते हैं। आप अगर इन पे क्लिक करेंगे तो गूगल एडवर्ड कोशिश करेगा कि आपकी वीडियो इन लोगों के पास पहुंचाए। आप जब इसका ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं तो आपको इसके अंदर सब कैटेगरी में भी ऑप्शन आते हैं कि फॉर एन एग्जांपल ऑटोमोबाइल में भी आप पर्टिकुलरली किसी ब्रांड को लेके काम कर रहे हैं, क्या वो कमर्शियल व्हीकल है, क्या वो प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, कुछ भी है। सो बेसिकली इससे आप अपनी टारगेटिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक और बात कि आप जितनी टारगेटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप स्पेसिफिक ऑडियंस ढूंढेंगे, आपका कैंपेन उतना ही स्लो चलेगा, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, आपकी CPV उतनी ही बढ़ती रहेगी। मतलब जैसे नॉर्मली लोग वीडियो बनाते हैं कि 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे में, आप इन टारगेटिंग के साथ इतने कम CPV में आप अपना एडवर्टिजमेंट नहीं चला सकते। चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है प्लेसमेंट, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में क्या मतलब है कि आपका जो कंटेंट है, मतलब आप टेक में बनाए, ट्रैवल में बनाए, चाहे वो फूड का चैनल हो या फिर एंटरटेनमेंट का चैनल हो, आप स्पेसिफिकली किसी भी बड़े क्रिएटर को टारगेट करके उनके ऑडियंस के पास अपनी वीडियो पहुंचा सकते हैं। ये प्लेसमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा है। एग्जाम्पल के तौर से दिखाता हूँ, सोचिए मेरी चैनल की कैटेगरी ट्रैवल कैटेगरी में है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ मुसाफिर, देखिए अगर मैं मुसाफिर पे क्लिक करता हूँ तो मुसाफिर की वीडियोस जो लोग देखते हैं, अब मेरा वीडियो भी उनके पास ही जाके पहुँचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे और एक ऑप्शन लेते हैं, सोचिए मेरा टेक रिलेटेड चैनल है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो टेक्निकल योगी या फिर इसरार भाई के पास जाए। देखिए ऑप्शन आ गए, आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। तो
तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको ये बताने की कि कीवर्ड टॉपिक और प्लेसमेंट आप अपने कंटेंट के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ दिमाग में याद रखिएगा जो मैंने पहले भी वीडियो के कही है कि अगर आप चाहते हैं इन ऑप्शंस को यूज़ करना, इसमें आपकी टारगेटिंग के रेट बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली प्लेसमेंट तो बहुत महंगा हो जाता है, ऑलमोस्ट बिटवीन 40 पैसे से लेकर 60 पैसे पर व्यू में आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो समझ सकते हैं 1000 व्यूज़ के लिए आपको कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज आप कॉन्टेंट स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी एक यूट्यूब क्रिएटर को जिसकी ऑलरेडी एक चैनल बनी हुई है, जिसके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है। आप चाहते हैं कि वो ऑडियंस के पास आपका कॉन्टेंट जाए और वो आके आपको सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियोज़ देखे। तो ऐसे सिनेरियो में इट इज़ ऑब्वियस आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को समझ आया है इन तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर मैं कहीं कुछ चूक गया हूँ, कमेंट डाउन बिलो लेट मी नो कि क्या क्या पॉइंट्स पेंडिंग हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ आने वाले वीडियोस में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में भी @IAMKosti। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।